न्यूज असल ऐसा जो नजर आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे मुल्क की प्यारी जनता का स्वागत है, वेलकम है टीके न्यूज औरंगाबाद के चैनल में, और मैं हूँ टीके न्यूज चैनल रिपोर्टर हाफिज मोहम्मद अंसार सिल्लोर से। जैसा कि हम सब वाकिफ है, जो गरीब होता है और उसके घर का कोई मेंबर या कोई अफराद बीमार होता है और उसे बड़ी बीमारी लाहक होती है और वो ऊंचे दवाखाने में बताने के लिए जब जाता है तो उसे काफी खर्च वाली बात उसके सामने आती है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा परेशानियों में घिर जाता है कि किस तरह से उस खर्च को वो हासिल कर सके। इसी की बात को मद्देनजर रखते हुए सिल्लोर नगर परिषद की तरफ से तकरीबन 4012 गरीब खानदान की फैमिली को ई कार्ड तकसीम किया गया। ये ई कार्ड वो काम करेगा कि ऊंचे दवाखाने में जाने पर उन्हें इलाज मुफ्त में दिया जाएगा और उनकी इस समस्या और इस परेशानी से उनको सुकून और इत्मीनान हासिल होगा। मोहतरम नाजरीन, इस कार्ड के लिए जो सरकार ने फीस रखी है 50 रुपए, इसमें भी आसानी करते हुए सिल्लोर नगर परिषद ने इस फॉर्म की फीस 30 रुपए कर दी है, ताकि गरीबों का फायदा हो सके और वह सुकून और इत्मीनान से इस कार्ड को बना सके। मोहतरम नाजरीन, इसी के चलते हुए आमदार अब्दुल सत्तार ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिल्लोर नगर परिषद की तरफ से जमीन भी महफूज की गई है कि जो गरीबों को जिस पर घर तैयार करके नगर सिल्लोर नगर परिषद की तरफ से दिए जाएंगे। और एक बात को और वाजे करते हुए कहा कि कड़क धूप काले में जो पानी की समस्या बढ़ जाती है, खड़कपुरना पानी पुरवठा इस योजना के तहत भी काम मुकम्मल होने को है, जो कि पानी की समस्या को खत्म कर देगा और पानी भरपूर मिकदार में और अच्छी तरह से और कड़क धूप काले में भी सबको मुहैया होगा और सबको मिलेगा और पानी की समस्या सबकी दूर हो जाएगी। मोहतरम नाजरीन, उस वक्त मौजूद सिल्लोर नगर परिषद के उपाध्यक्ष केशवराव तैड़े, नगर अध्यक्ष राजाश्री निकम, उप नगराध्यक्ष अब्दुल समीर, उप जिला शिवसेना प्रमुख रघुनाथ चव्हाण, तालुका प्रमुख किशोर वहां पर मौजूद थे और आमदार अब्दुल सत्तार के हाथों ई कार्ड तमाम गरीबों को तकसीम किया गया और काफी तादाद में वहां पर लोग मौजूद थे और उपस्थित थे। इसी के साथ साथ मोहतरम नाजरीन, मैं रुख्सती चाहता हूँ, खुदा हाफिज। जसा शेतकऱ्याचा पीक विमा आहे, आपल्या जीवनाचा हा विमा काढण्याचा पवित्र काम सरकारने केलं, त्याबद्दल सरकारलाही आपण मनापासून धन्यवाद द्यायला पाहिजे, त्यांनाही सत्कार करायला पाहिजे। त्यांनी शेवटी आपल्या आयुष्यासाठी आपण जिवंत राहावं, सर्वसामान्य गरीब माणसाला संजीवनी मिळावी यासाठी खरं म्हणजे त्यांनी तो निर्णय घेतला आणि त्या निर्णयामुळं आज त्याची अंमलबजावणी होऊ लागली। मी स्वतः, माझ्याकडे एक कार्ड आहे, मी परवा मुंबईला टेस्ट केला आणि मुंबईला ज्या वेळेस मी मोठ्या एखाद्या हॉस्पिटल मध्ये दाखवलं तर माझा बिल त्यावेळेस 57,000 रुपये झाला होता, पण ते कार्ड दाखवल्यानंतर सर्व चार्जेस त्या कंपनीने दिले आणि त्या कंपनीमुळं मी टेस्टिंग यासाठी केली की निवडणूक पुढं आहे म्हणून आपण पूर्ण परफेक्ट व्हायला पाहिजे, आपण तंदुरुस्त आहे ते चेक करायला पाहिजे। लढाई समोर आहे, कोण लढणार आहे, कसा लढणार आहे, तो किती बलवान आहे, किती शक्तिशाली आहे, हे सर्वांना माहित आहे। तालुक्यामध्ये भगवी लाट आलेली आहे, हिंदू मुस्लिम शीख शिकाई माझे संपूर्ण बौद्ध भाऊ सर्व चुकीने या ठिकाणी भिडले आहेत की येणाऱ्या काळामध्ये योजना गोर गरीब जनतेपर्यंत पोहोचली पाहिजे ही तळमळ ज्या माणसाची असती तो 28 वर्ष आम्ही त्यांचा संघर्ष केला, विरोध केला, माणूस कसा होता आम्हाला माहित नव्हतं, पण माणसाजवळ 10 दिवस झाले जाऊन बसलोय, माणूस खरा हा गोर